Hey guys, welcome to A Nomad Trail. I'm Shubhra and I make videos on traveling facts, phenomena, vlogs, stories, etc, etc, etc. So first of all, I would like to wish you a very happy Mahashivratri. I hope you do well in life and achieve all your aspirations. सो टाइटल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का ये वीडियो शिवरात्रि स्पेशल होने वाला है. एंड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर में. महाशिवरात्रि इज़ अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा. और इसको मनाने के पीछे बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज़ हैं. जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मान्यता है उसकी ये है कि ऑन द नाइट ऑफ महाशिवरात्रि शिव जी एंड पार्वती जी गॉट मैरिड. सेकेंड लेजेंड ये भी है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान जो पॉइजन निकला था शिव जी कंज्यूम दैट टू हिज थ्रोट एंड ही सेव द गॉड एंड द मैनकाइंड. सो ये दो लेजेंड्स बहुत फेमस हैं. इसके अलावा एक और लेजेंड भी है कि इस दिन जब गॉडेस गंगा फुल फोर्स में हेवन से गिर रही थी तो शिव जी उनको कंट्रोल करने के लिए अपनी जटाओं में लिया था एंड देन अर्थ पे छोड़ा था स्ट्रीम्स के फॉर्म में. सो जितनी ही स्टोरीज़ हैं उतनी ही लेजेंड्स हैं और इस हिसाब से सबकी अलग अलग मान्यता है शिवरात्रि को मनाने के लिए. मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि शिव जी रिसाइड्स ऑन हिमालयस एंड कैलाश पर्वत उनका अडोब यानी कि घर माना जाता है. बट क्या है ये कैलाश पर्वत? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सम नोन एंड अननोन फैक्ट्स अबाउट कैलाश पर्वत. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. कैलाश पर्वत को एक मिस्टीरियस माउंटेंस की तरह जाना जाता है और कहते हैं दैट इट इज़ अनक्लाइंबेबल. सो इसका एलिवेशन इज़ अराउंड 6,638 मीटर्स जो कि माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर कम है. स्टिल माउंट एवरेस्ट को काफ़ी लोगों ने कॉन्कर किया है बट देर इज़ नो वन हु कुड कॉन्कर कैलाश पर्वत. इसके पीछे भी कई स्टोरीज़ हैं, कई रीजंस हैं. कुछ कहते हैं कि वहाँ पे कुछ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती हैं व्हेन यू सेट फुट ऑन कैलाश पर्वत. देन सेकेंड स्टार्ट के डायरेक्शंस वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एंड कुछ लोग सुपरनैचुरल पावर्स का इंटरवेंशन भी समझते हैं वहाँ पे. कई लोगों ने, कई साइंटिस्ट ने भी ऊपर जाने का ट्राई किया. इवेंचुअली दे गेव अप एंड दे डिड नॉट क्लाइंब माउंट कैलाश. ऐसा बोला जाता है कि क्लाइंबिंग द माउंट कैलाश विल ऑफेंड द गॉड्स एंड ऐसा लगता है कि माउंटेन खुद नहीं चाहता कि कोई भी उस पर क्लाइंब करे. मान्यता है कि कैलाश पर्वत पे शिव जी अपनी पूरी फैमिली के साथ रिसाइड करते हैं. दिस इज़ द प्लेस वेर ही यूज़ टू मेडिटेट. तो इसीलिए ये जगह शिव डिवोटीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और स्पिरिचुअल है. अगर हम माउंट कैलाश का सैटेलाइट व्यू देखें तो ये माना जाता है कि शैडो साइड पे शिव जी का फेस बनता है जिसमें वो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं. दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे इसके फुट हिल में एक कुंड है जिसका नाम है गौरी कुंड और वो पार्वती सरोवर के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ नोन एज अ लेक ऑफ कंपैशन. माना ये जाता है कि यहाँ पे पार्वती जी का एक पर्सनल स्पेस होता था जहाँ शी यूज़ टू टेक बाथ एंड यही वो जगह है जहाँ पे शी ब्रॉट गणेश जी इनटू लाइफ अपनी बॉडी के डर्ट से व्हाइल टेकिंग अ बाथ. So apart from Gaurikund, there are two more lakes on the foothills of Mount Kailash. One is the Mansarovar Lake and second is the Rakshas Tal. So Mansarovar Lake is the highest altitude freshwater lake in the world, whereas the Rakshas Tal is a saltwater lake also known as Lake of Ghost, and these both lakes are separated by one way. One shapes like a sun and another shapes like a moon. And they represent the lightness and darkness respectively. Mana jata hai ki Rakshas Tal was made by Shivji's prime bhakt Ravana. It was made to please Shivji. Char nadiyan bhi Mount Kailash se base se ho ke guzarti hain. The Indus, Satluj, Brahmaputra and Karnali. Scientists ka manna hai कि माउंट कैलाश इज़ एन एक्चुअली मैन मेड वैक्यूम पिरामिड जो कि 100 और छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है. इसकी हाइट मानी जाती है इट कैन बी अराउंड 100 टू 1800 मीटर्स जबकि एक इजिप्शियन पिरामिड की हाइट 146 मीटर्स तक होती है. सो पॉसिबिलिटी ये भी है दैट इट कुड बी द लार्जर नोन
pyramid today. Mount Kailash is considered as the axis of the universe. It is known as the center of the world or the pillar of the world. माना जाता है कि अर्थ को हेवन से कनेक्ट करता है माउंट कैलाश. As you can see in the Google Maps, Stonehenge in UK से हमारे माउंट कैलाश का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 6,666 किलोमीटर्स, विच इज़ ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल. वहीं जब हम कंपेयर करें साउथ पोल से तो जस्ट डबल हो जाता है इसका, दैट इज़ 13,332 किलोमीटर्स, विच इज़ एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ स्टोनहेंज एंड द नॉर्थ पोल. सो माउंट कैलाश इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ माउंट मेरू, और हिंदू बुद्धिस्ट और जैन माइथोलॉजी में एक्सिस मुंडी इज़ माउंट मेरू और सुमेरू, एंड इट इज़ माउंट कैलाश इज सेट टू बी द अर्थ वर्जन ऑफ इट. माउंट कैलाश का जो एरिया है वो एजिंग भी एक्सेलरेट करता है. साइंटिस्ट का मानना है दैट इट्स एनर्जी कैन अपलिफ्ट योर माइंड एंड बॉडी, एंड इट इज़ सेड अगर आप 12 आवर्स माउंट कैलाश की वेसिनिटी में रहते हो तो इट कैन इन्हांस योर फिंगर नेल्स एंड द हेयर ग्रोथ, विच इज़ लाइक 2 वीक्स इन द नॉर्मल टाइम. इतने सारे फैक्ट्स हैं इस जगह के बारे में कि इस पर एक पूरी वेब सीरीज़ बनाई जा सकती है. आज तक जिस जगह को हम सिर्फ शिवजी के घर के रूप में जानते थे, उस जगह में इतने सारे अनगिनत फैक्ट्स हैं, इतने सारे अननोन फैक्ट्स हैं जिसके बारे में शायद ही हमें और आपको पता होगा और शायद ही हम और आप कभी पता लगा सकें. मैंने कुछ आर्टिकल्स के लिंक्स भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं इन केस अगर आपको और जानना हो माउंट कैलाश के बारे में. एक बार फिर से मैं आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन जय शिव शंभू.